अच्छा 400 पार बोल रहे हैं बीजेपी वाले जो प्रधानमंत्री हैं। 200 पर पार कर गए तो जुलूम है, 200 पार कर जाएगा तो मुश्किल है हमारा समझ। 400 पार के ना अब मुँह से तो बोलना है तो जेकरा जो मन में आ रहा है बोल रहा है, 200 नहीं पार करेंगे जान जाइए। इस बार दिल्ली में मोदी जी रहेंगे ना? अब मोदी जी कुर्सी हिलल है, अभी अभी कुर्सी हिलल है जान जाइए, मुश्किल है अभी। मुश्किल है? मुश्किल है। कहाँ दिक्कत है? दिक्कत है जो सामने आ रहा है। काम उम नहीं किए हैं? काम क्या किए हैं, मंदिर एगो बना दिए हैं तो उससे समस्या हो गया दूर जनता के, तो सब तो ओकरे में खुश है। ये है तब तो मंदिर से खुश है तो खुश रहने वाला लोग खुश रहे, हम लोग तो दुखी है। काहे कि जब पेट नहीं चलेगा तो मंदिर में भी पूजा करने से कोई उपाय नहीं, मंदिरों में पूजा करने के लिए पैसा चाहिए या कमाई है ये ना? ये है कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जीतने के बाद शकल नहीं देखते हम लोग, आईवे नहीं करते। कौन नहीं आते? रविशंकर प्रसाद जीत के गए तो आए कहाँ एक बार, क्षेत्र में दौरा नहीं करते? कुछ नहीं, कुछ नहीं। विकास विकास काम? कुछ नहीं। 5 साल में जो कमियां थी दूर हुई है? सबसे पहले तो 5 साल में कभी ऐबे नहीं किए हैं। ऐबे नहीं किए? कभी नहीं। एक जो एक बार आए इलेक्शन में उसके बाद फिर हम लोग कभी नहीं देखे क्षेत्र में, नहीं आए कभी नहीं। अब फिर उनको फिर है बीजेपी से उन्हीं को टिकट, चाहे किसी का टिकट रहे अभी तो उनका वोट नहीं देना, वोट जो है अभी कोई उपाय नहीं। लेकिन जो आपके पुराने सांसद थे रविशंकर प्रसाद जी, उनको फिर से दोबारा चांस मिला है, इस बार के काम उम किए हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जीतने के बाद शकल नहीं देखते हम लोग, आईवे नहीं करते। कौन नहीं आते? रविशंकर प्रसाद जीत के गए तो आए कहाँ एक बार, क्षेत्र में दौरा नहीं करते? कुछ नहीं, कुछ नहीं। विकास विकास काम? कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ है? हम लोग का बेकार है, हम लोग ठेला पर बेचते हैं सब्जी, वो भी बिकता नहीं है एकदम नहीं, 150 कमाते हैं। और राष्ट्रीय जनता दल बड़ी जीते ही गया। कौन जीते? राष्ट्रीय जनता दल। रविशंकर प्रसाद जी वो अपनी नहीं जीते, नहीं जीते। क्या है? कामे नहीं करते हैं, जीत के जाते तो आते नहीं है। जीत के जाते तो नहीं आते। देखिए नाराजगी लोगों में है, पटना साहिब क्षेत्र में हम पहुंचे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, 5 साल पहले आपने जिनको वोट दिया था सांसद जी को, उन्होंने आपके क्षेत्र में 5 साल में जो कमियां थी दूर हुई है? सबसे पहले तो 5 साल में कभी ऐबे नहीं किए हैं। ऐबे नहीं किए? कभी नहीं। एक जो एक बार आए इलेक्शन में उसके बाद फिर हम लोग कभी नहीं देखे क्षेत्र में, नहीं आए कभी नहीं। अब फिर उनको फिर है बीजेपी से उन्हीं को टिकट, चाहे किसी का टिकट रहे अभी तो उनका वोट नहीं देना, वोट जो है अभी कोई उपाय नहीं है जान जाइए। कहाँ दिक्कत है, कहाँ नाराजगी है? नाराजगी है कि कोई काम में नहीं है, ना कि कोई जनता से भेंट करना है, ना कोई बात करना है, तो वो वोट लेकर क्या होगा? तो फिर इस बार अबर केकरा चांस है? चांस तो अभी कांग्रेस के हमें मालूम है कि कौन यहाँ से खड़ा है। मीरा कुमार के बेटा के सुनने में आ रहा है अंशुल कुमार है, अंशुल कुमार ओकरे कांग्रेस के द्वारा टिकट मिलेगा। बंधन अभी तो नहीं देखे है, आना जानते हैं उनका भी अभी तो। सबसे पहले तो टिकट का हमारे नया चेहरा, नया चेहरा, लेकिन इनका वोट हम लोग नहीं देंगे, इसलिए आज तक हम लोग से भेंटे नहीं। किनका? रविशंकर प्रसाद के। कोई काम ही नहीं? कोई काम नहीं है, ना कोई भेंट, ना कोई बात। वो अगला साल जो जीत के गए उसके बाद अभी नजर नहीं आया। इस बार अच्छा 400 पार बोल रहे हैं बीजेपी वाले जो प्रधानमंत्री हैं, 200 पर पार कर गए तो जुलूम है, 200 पार कर जाएगा तो मुश्किल है हमारा समझ। 400 पार के ना अब मुँह से तो बोलना है तो जेकरा जो मन में आ रहा है बोल रहा है, 200 नहीं पार करेंगे जान जाइए। इस बार दिल्ली में मोदी जी रहेंगे ना? अब मोदी जी कुर्सी हिलल है अभी, अभी कुर्सी हिलल है जान जाइए, मुश्किल है अभी। मुश्किल है? मुश्किल है। कहाँ दिक्कत है? दिक्कत है जो सामने आ रहा है। काम उम नहीं किए हैं? काम क्या किए हैं, मंदिर एगो बना दिए हैं तो उससे समस्या हो गया दूर जनता के, तो सब तो ओकरे में खुश है। ये है तब मंदिर से खुश है तो खुश रहने वाला लोग खुश रहे, हम लोग तो दुखी है। काहे कि जब पेट नहीं चलेगा तो मंदिर में भी पूजा करने से कोई उपाय नहीं, मंदिरों में पूजा करने के लिए पैसा चाहिए या कमाई है ये ना? रोजगार नहीं मिला है? रोजगार नहीं है तो वहाँ जाने के लिए भाड़ा चाहिए, लड्डू के लिए पैसा, यहाँ 1 रुपया आइए ना खाने के लिए, बतलाइए कोई उपाय है? क्या नाम हो गया? मेरा नाम राजबल्लभ है।